हेलो एवरीवन। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3 √5/2 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a². तो देखो ए हमें गिवन है, ए स्क्वेयर निकाल देंगे और 1/a करके उसका स्क्वेयर कर देंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। तो देखो सोल्यूशन में, देखो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3 √5/2, इसका स्क्वेयर करना है तो ए का स्क्वेयर और इधर 3 √5/2 का स्क्वेयर, ये कर दिया। ठीक है, अब देखो जब हम स्क्वेयर कर रहे हैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 3 √5 का होल स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर अलग कर दिया। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाएंगे इसमें, क्या आएगा देखो, a² + b² + 2ab, 2 × 3 × √5, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी लगा दी, अपॉन में 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4। तो देखो ये कितना आएगा, 3 3 = 9 प्लस ये इससे कट गया, कितना आया 5 + 2 3 = 6 √5/4, और कितना आ जाएगा ये हमारे पास, देखो 9 + 5 कितना हो गया, ये 14 + 6 √5/4। आ रहा है कुछ समझ में क्या किया मैंने? ठीक है, तो ये है ए स्क्वेयर की वैल्यू, क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब देखो ए स्क्वेयर हमें पता चल गया है, ठीक, और अब हमें क्या चाहिए, 1/a². ठीक है, तो 1/a² मैं यहीं से ले सकता हूँ, 1 / a² की जो वैल्यू यहाँ रखता हूँ 14 + 6 √5, ये अपॉन में 4 आएगा और वो 4 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि अब हमें यहाँ करता हूँ, देखो a² + 1/a² की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देना, तो a² भी पता चल गया, 1/a² भी पता चल गया, तो पुट कर देंगे, नहीं अभी नहीं, देखो क्या करेंगे, ये नीचे रूट में है वैल्यू, ठीक है, तो इसको पहले रैशनलाइज करो रूट में, तो मैं नीचे अगर रूट में वैल्यू तो रैशनलाइज होती है, ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे हम इसको, 14 − 6 √5/14 − 6 √5, इस तरीके से यही होगा। ठीक है, तो देखो ये तो समझ रहे हो ना, मैंने 1/a² को यहीं से ले लिया, ए स्क्वेयर नीचे लिखा तो उसका 4 ऊपर चला गया, समझ रहे होंगे? ठीक है, उसके बाद रैशनलाइज करें, देखो 14 4 का कितना होता है 56 और ये 24 √5 बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 4 को इस पूरी टर्म से, और नीचे क्या हो रहा है, a + b a - b, ठीक है, इसका आइडेंटिटी आपको पता है a² - b² होती है, तो 14 का स्क्वेयर - 6 √5 का स्क्वेयर। तो देखो ऊपर तो एडिटिव रहेगा, 56 − 24 √5/14 का स्क्वेयर कितना होता है हमारे पास, 196 होता है, देखो 6 √5 का होल स्क्वेयर है तो 6 का स्क्वेयर 36 और 5 √5 का स्क्वेयर 5 ही होता है, तो 36 × 5 कितना होगा हमारे पास, ये 180 होता है। ठीक है, तो ये 180 आ गया। ठीक, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 56 − 24 √5/ कितना आ जाएगा, ये 16, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये वैल्यू आई है 1/a² की। ठीक, अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो जी a² कितना था हमारे पास, 14 + 6 √5/4 प्लस, और 1/a² की वैल्यू ये आई है हमारे पास, ये क्या है, 56 − 24 √5/16। ठीक है, अब देखो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, ये आएगा 4 डिवाइड करेंगे तो, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 6 √5 और ये 14। ठीक है, प्लस 16 16 को डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर अगेन 14 4 का कितना होता है 56 प्लस ये 6 4 = 24 √5 प्लस 56 − 24 √5 और नीचे कितना है 16 है, रूट फाइव और ये 24 √5 और 24 √5 कैंसिल होगा, क्यों, ये प्लस में है ये माइनस में है। ठीक है, क्या बचा, 56 और 56, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 112 और ये 16 और ये कितना होता है 16 7 = 112, तो 7 इज़ द आंसर। समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है जी, इजी है, ओके, थैंक यू।